हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और यहाँ पर देख रहे हैं आपकी आलू मैं फ्राई कर रही हूँ। और ये आलू क्यों फ्राई कर रही हूँ ये तो आपको पता चलेगा आगे इस ब्लॉग में। और मैं कुछ ऐसा बनाया जा रही हूँ जिसमें आलू यूज़ होते हैं। और आप खुद ही सोचिए, गैस कीजिए कि क्या बन रहा है यहाँ पर। नहीं गैस कर पाए ना, या फिर गैस कर लिया आपने कि यहाँ पर हो रही है समोसे की तैयारी। लॉकडाउन है तो सभी लोग बनने में लगे हैं मास्टर शेफ़, तो हम लोग भी घर में यही कर रहे हैं। क्या करें, टाइम पास करना है, कुछ ना कुछ तो घर में करेंगे। और बाहर का खाना तो हम नसीब हो नहीं रहा है, तो घर में रहकर ही सब लोग ट्राई कर रहे हैं। बाहर का खाना घर में बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मैंने भी ट्राई किए समोसे, और ये समोसे आलू देखकर तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। कैसे बने हैं समोसे ये आपको पता चलेगा इस वीडियो के लास्ट में, और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। और समोसे का जो डिज़ाइन है, साइज़ है, वो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। जैसे हलवाई की दुकान के समोसे होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है यहाँ पर। और समोसे बनाने में हेल्प कर रहे हैं मेरे डियर हस्बैंड। और आपके घरों में क्या हो रहा है, आपके घरों में क्या क्या ट्राई कर रहे हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि क्या क्या आप लोग बना रहे हैं। यहाँ पर आ गए मेरे हस्बैंड हेल्प करने के लिए, और वो बेल रहे हैं समोसे के लिए, मतलब जो बनाते हैं प्लेटर जिसमें भरा जाता है, पूड़ी रोटी आप कुछ भी कहिए, तो उसको बेल रहे हैं। और समोसे का डिज़ाइन मुझे परफेक्टली बनाना आता है, तो ये मैं भर रही हूँ उसमें आलू। और ज़्यादा से ज़्यादा आलू भर के मैंने ये समोसे बनाए हैं। और मैदा गूंदने में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, बाकी कुछ नहीं डाला है। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं कि आज घर में समोसे मिल रहे हैं। समोसे तो सभी को पसंद होते हैं, कौन है ऐसा जिसको समोसे ना पसंद हो। सभी लोगों को समोसे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो धीरे धीरे समोसे तलना शुरू हो गए हैं यहाँ पर। और जितनी देर में ये समोसे बन रहे हैं उतनी देर में दूसरे समोसे मैंने तलने के लिए डाल दिए हैं। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलेगा, समोसे तले जाएंगे, बनाए जाएंगे। और आपके घरों में आपने अब तक क्या क्या डिश ट्राई की है, क्या क्या बनाया है, मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने भी अब तक बनाई हैं बहुत सारी चीज़ें। मैंने बनाया केक, मैंने बनाया पिज़्ज़ा, मैंने बनाया ढोकला, जो धीरे धीरे आपसे मैं शेयर करूँगी वीडियोज़ में। और ये समोसे बनकर तैयार हो गए, बिल्कुल हलवाई की दुकान वाले समोसे लग रहे हैं। और यकीन मानिए, जब हम इन समोसों को खा रहे थे ना, वाह यार, तो मतलब याद आ गई बाहर के समोसों की, बिल्कुल बाहर जैसे समोसे। बस ये हुआ गलती थोड़ी मुझसे, ये हो गई कि मैंने ज़्यादा ऑयल को हीट कर लिया, और हीट करने से जो समोसे बने उसमें बबल्स आ गए और थोड़े से ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गए। जबकि अगर आप समोसे अब बनाते हैं, या मैं नेक्स्ट टाइम समोसे बनाऊँगी तो मैं कम हीट पर बनाऊँगी, ताकि वो मतलब ज़्यादा जल्दी से ब्राउन ना हो। और बच्चे यहाँ पर समोसे खाने के लिए बैठ गए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, मम्मी किचन में काम करती है, बनाती रहती है, और जो हम लोग थे वो खाते रहते थे। तो आज मेरा ये टाइम है, मैं बनाती हूँ किचन में, और फैमिली में सब लोग मिलकर खाते हैं। फिर लास्ट में मेरा नंबर आता है, जैसे मम्मी का नंबर आता था लास्ट में। तो आज है मदर्स डे, मदर्स डे पर मम्मी को याद करना तो बहुत ज़रूरी है। और क्वारंटाइन की वजह से मम्मी से मिलने नहीं जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग सब घर में लॉकडाउन में हैं। और जो मैदा बचा था समोसे के बाद, आलू तो ख़त्म हो गए, उसके मैंने बना दिए हैं ये नमक पारे। बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी नमक पारे मैंने यहाँ पर बनाए हैं, और देखने में ही पता चल रहा है। अरे मैं चाय बनाने जा रही हूँ, इसलिए पंखा बंद किया है। चाय का टाइम हो रहा है, चाय पीनी है मेरे को। आप समोसे खा लिए हैं सब लोगों ने, यहाँ पर शुरू हो गया पबजी का गेम। इनको बस टाइम पास के लिए पबजी खेलना है, बच्चे भी अपने खेल में लग गए हैं। पुराना कैमरा, और यहाँ पर निकाला एक मैंने पुराना कैमरा, उसको चेक करके देखा जा रहा है कि कैमरा ठीक से चल रहा है कि नहीं। कैमरा पर स्क्रैच है, इसके ठीक से चलता नहीं है, चला के देखो। वीडियो इससे बन सकती है। चाय के साथ खाएंगे हम ये नमक पारे जो मैंने अभी अभी बनाए थे समोसे के साथ, बचुए मैदा से। चैन से बैठ नहीं सकती है ना। आज काव्या ने निक्कू के कड़े पहने, दिखा काव्या, दिखा कितने सुंदर लग रहे हैं। ये पहले ना निक्कू के थे, निक्कू की बुआ ने दिए थे, बिल्कुल सही फिट आए हैं इसके, इतने दिनों बाद मैंने निकाले, एकदम साइज के हो गए, अच्छे भी लग रहे हैं। बाहर गए थे तुम लोग, और ये सॉक्स देखो पूरी हाथ में चढ़ा के पहनी हुई है, और मिट्टी भी लगी है सॉक्स पे। मिट्टी में हाथ लगाया था क्या? भाई ने गिरा दिया। क्या गिरा दिया? भाई ने धक्का दे दिया। हाथ धो के आओ, चलो हैंड वॉश कर, सॉक्स निकाल, हैंड वॉश करके आओ, दोनों हैंड वॉश करके आओ तुरंत के तुरंत, अभी के अभी।
उसको बहुत तेज आ रही है। खेल खेल में पोटी आ गई उसको। सवा एक हो रहा है, कोई नहीं सो रहा है यहाँ पे। लिक्कू नींद नहीं आ रही तेरे को? कितना कार्टून देख रहा तू, टाइम देख रहा है कितना हो रहा है? हाँ सुबह से कार्टून ही देख रहे हो और क्या कर रहे हो? इसको बोल रहे हो सुबह से कार्टून ही देख रही, कह रही हमने कार्टून ही नहीं देखा है। हो रही है झमाझम बारिश, बड़ा अच्छा सा वेदर हो गया बाहर, पता नहीं इस बारिश का क्या असर होगा कोरोना पर, इससे कोरोना खत्म होता है या फिर और फैलने का डर है इन्फेक्शन। हमारी नालियाँ इतनी भर गई है ना, इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई, आप देख सकते हो। ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये ऐसे जूम करके नाली देखो घर के आगे, लोग कैसे अंदर बाहर जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा नाली भरी हुई है, भी बीमारियाँ फैलती है इससे। इस टाइम पर सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं इस कॉलोनी में, और जबकि इतने बड़े जो एरिया है इसमें सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो नालियाँ भर गई है और हमारे ही मकान में जो ये देखो नाली है यहाँ पर, ये जो नाली है ज़्यादा भर गई, इसलिए नाली का पानी पूरा आ गया है बाहर। ये देखो कितनी गंदगी है, तो इतनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर फैली हुई है घर में। हम तो खैर अंदर रहते हैं, इतना हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा मेरा रूम वहाँ पर है अंदर, और यहाँ पर गंदगी है। यहाँ तो मैं सफाई कर देती हूँ सब जगह यहाँ पर, और यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ पर भी झाड़ू लगा दीजिए अगर कोई कचरा है, गंदगी होती है तो। और लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी है, इसे मच्छर पनपेंगे और भी बीमारियाँ फैलने का डर है। तो यहाँ पर सफाई होना ज़रूरी है, लेकिन पता नहीं यहाँ पर सफाई क्यों नहीं हो रही है। वैसे कूड़े की गाड़ी आती है एमसीडी वालों की, लेकिन ऐसी कोई गाड़ी नहीं आ रही है। नाली साफ़ करने वाले जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त नहीं आ रहे, नाली पूरी तरह से भरी हुई है। और मैं लेकर आ गई अपनी चेयर को बाहर, मैं बैठूंगी बाहर। और यहाँ पर कुर्सी लगाकर बैठूंगी अपनी थोड़े सुकून में। यहाँ पर लोग भी खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ बैठ जाती हूँ।